नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानिका ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गए हैं। मराठा क्रांति मोर्चा ने आज मुंबई में बड़ी बैठक बुलाई है। जालना में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले मराठियों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ मुंबई में ये अहम बैठक हो रही है। सरकार का विरोध करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए मुंबई के दादर में ये बैठक की जा रही है और आरक्षण की मांग को लेकर आज महाराष्ट्र के जालना में बड़ा बवाल हुआ है। जालना में प्रदर्शनकारियों में पथराव किया है, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। जालना में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की है। तो आपको बता दें कि आरक्षण की मांग को लेकर लगातार बवाल जालना में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मराठा मोर्चा की एक तरफ बैठक हो रही है सरकार के खिलाफ, इस प्रदर्शन को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, इसकी रणनीति जो है वो तैयार होगी, लेकिन इस बीच बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मराठा आरक्षण को लेकर लगातार मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि जालना में प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर से पथराव किया है, आगजनी भी हुई है वहां पर, और इस बीच पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज जो है वो प्रदर्शनकारियों पर किया गया। दो तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये प्रदर्शनकारी अब और ज्यादा उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में अब आगे की रणनीति कैसी होगी, इसको लेकर एक अहम बैठक भी मराठा मोर्चा की तरफ से की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कैसे उग्र ये प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, आरक्षण की मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। ऐसे में जालना में बवाल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की गई, लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया है, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी मराठा मोर्चा की बैठक में निकल कर आएगा। और महाराष्ट्र में उठी आरक्षण की आग को शांत करने की सारी कोशिशें लगातार की जा रही है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है, लेकिन प्रदर्शनकारी इस वक्त अभी मानने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन में अब तक के कई पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं। आरक्षण की आग में जलता महाराष्ट्र, मराठा आरक्षण की फिर उठी मांग। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में इस वक्त मराठा आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा हो रहा है। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद बेकाबू हुए प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आगजनी की, कई बसों को फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जब वो अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए धरने पर बैठे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में पुलिस कर्मी लोगों पर डंडे बरसाते दिखाई दिए। इसके बाद वहां भगदड़ मची और देखते ही देखते प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए। लाठीचार्ज से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने वहां खड़ी कई गाड़ियों में आग लगा दी। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज के बाद सिर्फ सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को ही नहीं बल्कि जालना बस स्टॉप पर खड़ी 6 बसों को भी फूंक दिया। पलक झपकते ही सारी बसें जलकर राख हो गई और आग का धुआं पूरे इलाके में फैल गया।
जालना जिले के हंतरवाली सराटी इस गांव में मराठा आंदोलक के ऊपर पुलिस जो है उन्होंने लाठीचार्ज करने के बाद मराठा आंदोलक जो है वो आक्रामक हो चुके हैं। जालना जिले में इस तरह के बस जो है वो आंदोलकों ने जला दिए हैं। मैं अभी शाहगढ़ इस बस स्थानक पे मौजूद हूँ और इस बस स्थानक पे अपन देख सकते हो कि पूरे 5 से लेकर 6 बस जो है यहाँ पे जला दिए है। मराठा आरक्षण की उनकी मांग है और इस मांग को लेकर अंतरवाली सराटी इस गांव में जो है वो उनका आमरण उपोषण चालू था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जालना में अब हालात सामान्य है। हालांकि आज सुबह फिर जालना से विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर में आगजनी की। महाराष्ट्र के जालना से उठी प्रदर्शन की आग देर रात संभाजीनगर में भी भड़की। संभाजीनगर में भी बस स्टैंड पर खड़ी बसों में आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र के लातूर में भी हंगामा देखने को मिला। लातूर में प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर हाईवे को जाम करने की कोशिश की। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में जारी प्रदर्शन के बीच जालना और बीड में बंद का ऐलान किया गया, जिससे जालना औरंगाबाद हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। थोड़ी देर में हाईवे पर लंबा जाम लग गया। महाराष्ट्र में जारी प्रदर्शन को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आदित्य ठाकरे ने प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को अमानवीय करार दिया। इस प्रकार से मराठा समाज का जब इतने साल से मोर्चे निकल रहे, शांतिपूर्वक निकल रहे, तो जालना में ऐसी इसी क्या घटना घटी कि एकाएक इतनी बुरी तरीके से, इतनी अमानवीय तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये जो हुआ है ये बहुत दर्दनाक बात है। हालांकि महाराष्ट्र के जालना में हुई इस घटना के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और जालना में हुई घटना पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोगों ने पहले पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्होंने कुछ राजनीतिक पार्टियों पर राज्य का माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया। जालनातली घटना ही खरोखर दुर्दैवीपण आहे आणि गंभीरपण आहे। पण त्या ठिकाणी जे उपोषण करते होते त्यांच्याशी स्वतः मुख्यमंत्री बोलले होते, विविध प्रकारे त्यांच्याशी आमचा संवाद सुरू होता आणि त्यांनी उपोषण परत घ्यावं कारण मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार गंभीरतेने काम करते आहे। पण हा न्यायालयाशी संबंधित, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी संबंधित विषय आहे, त्यामुळे हा काही एका दिवसात चुकणार नाही। तो सोडवण्याकरता वेगवेगळे प्रयत्न हे चाललेले आहेत आणि ते सिरियस प्रयत्न चालले आहेत। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद महाराष्ट्र के लोगों में गुस्सा है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात पर काबू के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जालना में फिलहाल बाजार बंद है। पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकार भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। तो महाराष्ट्र में आरक्षण की आग जो है वो भड़कती हुई नजर आ रही है। अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के किन किन शहरों में आरक्षण की आग पहुंच गई है। लगातार बवाल जारी है। देखिए, धुले, जालना, अमरावती, ये वो इलाके हैं हम आपको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आरक्षण की मांग को लेकर लगातार बवाल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा संभाजीनगर, लातूर, सोलापुर, ये वो इलाके हैं जहां पर फिलहाल जो है हिंसा भड़की हुई है और यहां पर लगातार आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आगजनी हो रही है, बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, गुस्सा जो है प्रदर्शनकारियों का थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये वो इलाके हैं। और महाराष्ट्र के जालना में एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रक में आग लगा दी है। पुलिस पत्थरबाजी करने वालों पर यहां उन्हें हटाने की भी कोशिश कर रही थी, वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है। और यह तस्वीर जालना की है जहां पर आगजनी की गई है और मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के यहां हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस पर आरोप की लाठीचार्ज भी उन्होंने किया है।
मराठवाड़ा का एक खास जिला जालना, जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन तेज हो गया है और पुलिस पर भी पथराव किया गया है। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जालना से शुरू हुई आरक्षण की आग अमरावती तक पहुंच गई है। प्रदर्शनकारियों ने अमरावती में जमकर हंगामा किया है। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रक में आग लगा दी है, साथ ही पुलिस पर पथराव भी किया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के अमरावती में भी प्रदर्शन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा यहाँ पर फूटा है, ट्रक में आग लगा दी गई है, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है। तो हंगामा और बवाल जो है वो जालना के बाद अमरावती में भी नजर आ रहा है। तो देखिए पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है, प्रदर्शनकारियों का बवाल देखिए थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और देखिए ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ट्रक को आग के हवाले इन प्रदर्शनकारियों ने कर दिया है। और ये देखिए टायर में आग लगती हुई नजर आ रही है, काले धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है, प्रदर्शनकारियों का गुस्सा आपको नजर आ रहा है। इस बीच पुलिस जो है बीच बचाव के लिए आई भी, लेकिन पुलिस पर भी पथराव किया गया। लगातार जो है पुलिस बीच बचाव के लिए आ रही है, लाठीचार्ज जो प्रदर्शनकारियों पर जालना में किया गया है, लेकिन हिंसक झड़प जो है अब लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया है, तो द्रवी जो है वो लगातार अब हिंसक होते नजर आ रहे हैं, बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रणनीति क्या रहने वाली है सरकार को घेरने की, क्योंकि सड़कों पर तो देखिए आप पत्थरबाजी हो रही है। ये देखिए पुलिस जो है यहाँ पर तैनात जरूर है, लेकिन ये जानकारी मिल पा रही है आपको, पत्थर भी नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया, तो पत्थरबाजी की गई है बकायदा पुलिस पर। ये आपको सड़क पर बिखरे हुए पत्थर भी नजर आएंगे। और ये देखिए थोड़ी सी झड़प हुई है, कुछ लोगों को डिटेन करने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि अब जो ये आग और बवाल है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए ये आपको ग्राफिकली हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ देखिए किस तरीके से ट्रक्स को आग के हवाले कर दिया गया है, पुलिस पर ये देखिए पथराव किया गया। भारी पुलिस बल जो है महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में अभी फिलहाल है मौजूद, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए जहां जहां बन पा रहा है वहां वहां प्रदर्शन जो है वो उग्र होता नजर आ रहा है, गुस्सा लोगों का भड़कता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आरक्षण की मांग जो है अब और ज्यादा तेज हो गई, यानी कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से साफ तौर पर जो आगजनी की गई है ये संकेत दिए जा रहे हैं कि वो रुकने वाले नहीं है। और मराठा मोर्चा की तरफ से एक बाकायदा बैठक भी बुलाई गई है, आगे की रणनीति तैयार की जा रही है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे किस तरीके की रणनीति सरकार को घेरने की हो सकती है। ऐसे में ये तस्वीरें जो है अब महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आ रही है, जालना के बाद अमरावती, संभाजीनगर, ऐसे वो तमाम इलाके हैं जहां पर इस तरीके की तस्वीरें जो हैं अब कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही हैं। तो प्रदर्शनकारियों ने लगातार जो है बवाल को आगे बढ़ाते हुए अब देखिए ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया है। नारेबाजी हंगामा जो है प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया जा रहा है। ये अमरावती की तस्वीरें हैं उस वक्त की जब ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। जालना से प्रदर्शन शुरू हुआ था, उसके बाद उग्र होता गया, उग्र होने के बाद आप देखिए कि किस तरीके से ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। सड़कों पर आप पत्थर देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब पुलिस उन्हें रोकने के लिए आई तो पुलिस पर ही पत्थरबाजी यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई है। लातूर, संभाजीनगर, अमरावती, ये वो इलाके हैं जहां पर आरक्षण की आग जो है वो लगातार भड़कती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी मारने को तैयार नहीं है, लगातार पुलिस जो है उन्हें रोक रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने आज आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है। आदित्य सूर्य का अध्ययन करेगा। इसे सुबह 11:50 पर PSLV C-57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। 1 घंटे से ज्यादा की यात्रा के बाद इसे निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया है। यहां से इसकी 125 दिन की यात्रा शुरू हो चुकी है।
करीब 15 लाख किलोमीटर की यात्रा कर ये L1 पॉइंट तक पहुंचेगा और सूर्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाएगा। तो इसरो ने असफलतापूर्वक आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। एक और इतिहास जो है इसरो ने दर्ज कर लिया है।